वर्षा पर दुर्दशार साधारण जीवन नयागढ़ कालीगिरी पोल चारि फुट्र पा छेपता पिपिली ब्रह्मगिरी में पा घेर लुके आठगढ़ अनेक गां बाह्य जगतर विच्छिन्न चाष जमीन लहड़ी मारुछि पा लगाण वर्षा पर भूलुची नदी भद्रक आखुआपदारे विपद संकेत छुईला बैतरणी आठगढ़ में कूल लंघिला कंटिया नदी डेंजर लेवल पर जलक आनंदपुर में धोईगला ब्रिज सतरें आसुची आउ एक लघुचाप सबु जिलार जिलापा सजग रहिबाकु कहिले एसआरसी जलबंदी लोकों स्थानांतरण पर निर्देश 14 जिला को रेड वार्निंग अपराह्नर उपकूल में बदल पाग तालचेर रोड निकटरे मालवाही ट्रेन दुर्घटना 6 बोगी लाइनच्युत दुर्घटना जो 12 ट्रेन बातिल लोक पायलट समेत अन्य स्टाफ सुरक्षित आज उत्तर प्रदेश में महाराजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटी शिलान्यास कार्यक्रम में जोगदेवे प्रधानमंत्री विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भाव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमी दान देते स्वर्गत महाराजा महेन्द्र प्रताप कार्यक्रम में महाराजा परिवार विशिष्ट शिक्षाविद और राजनेता हे सामिल कोविड लड़े में भारत को ऐतिहासिक सफलता कोविड 19 टीकाकरण में 75 कोटि डोज पूरा द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में बड़ बड़ देश को पछरे पकाइला भारत भारत को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन आसिया संपूर्ण खबर को सक्रिय रही गभीर अवपात विलंब हो लघुचाप दुर्बल होबार प्रक्रिया गत 24 घंटे 16 स्थान में 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा रेकर्ड तालचेर सर्वाधिक 394 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड अपराह्न पर उपकूल ओडिशा बदल पाग धीरे धीरे कमिबो वर्षार परिमाण वर्तमान यार स्थिति उत्तर ओडिशा छत्तीसगढ़ उत्तर भाग में रहुछि शेष 6 घंटे यह घंटा प्रति 21 किलोमीटर बेग में आगक बढ़ुछि सेपटे राज्यर 14 जिला येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग केन्द्र बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जाजपुर देवगढ़ संबलपुर नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर और केन्दुझर प्रबल वर्षा होपे झारसुगुड़ार उत्तर पश्चिम 50 किलोमीटर दूर में रही अवपात आगक यह उत्तर छत्तीसगढ़ वो मध्य प्रदेश दे गति करणिपाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास जहाँ अनुमान कर मध्यान अपराह्न पर उपकूल में पाग परिवर्तन हो मेघा वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमी जाऊँच जोटा कि बर्तमान आम जो अनुमान करेतु मौसुमी जनित जो निम्नचाप रेखा ता सामान्य तार प्रभाव में आम उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिले में जमी रोज केन्द्रापड़ा तापर आमर भद्रक रहुची बालेश्वर जाजपुर यही सब अंचल वर्षा लगि बाकी सब आभ्यंतरण ओडिशार जिला गुड़िकर वर्षार प्रभाव रहिबो बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जाजपुर देवगढ़ संबलपुर नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर और केउंझर यही जिला गुड़िक प्रबल वर्षार संभावना रही लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा कारण बेहाल हो मयूरभंज उदला सहर विशेषकर कप्तिपदा उपखंड नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबारु जनसाधारण अवस्था बेहाल उदला ब्लॉक भीमताली पंचायत जालता एवं मदनपाड़ ग्राम से सोन नदी जलस्तर वृद्धि पाइबारु पाखापाखि 30 घर भितर पानी पशिछि लोके जलबंदी अवस्था रही लगाण वर्षा कारण आज भोर समय नदी जलस्तर वृद्धि पाई लोकों घर भितर पानी पशिता लोके निजर आसवापत्र धरी घर छाड़ुथिबार नजर आसुछि लेबर पेन केस आने जाऊ नागरापत्र गाँ पंचायत है पदम पोखरी थाना है शरत ब्लक है कप्तिपद तो पुल चलतेस एपटे तो जाए हेनी जहाँ भी आमको बुलिक पड़ो अफिस् जनइबू अफिस् जनला कौन कहते ना शरत देखिए जीव से पेसेंट कौन ठीक थी आप पहुँचवा क्या शरत दे बहुत दूर हो आम तो से कथा कही पार ना फुल 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 फुल
जलबंदी घेरें भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लक पिरीपुर ग्राम कोड़ी ऊर्ध परिवार अन्यपटे आखुआपदा ठारे बैतरणी विपद संकेत टपिथ बन्या आशंका देखादेछि। लघुचाप जनित लगाण वर्षार बेहाल भद्रक जिला गतकाली राति ठारु अविश्रांत वर्षा जो जिलार विभिन्न ब्लक्र तलिया अंचल पानी पशिछि। भद्रक सहरर तली और खालुआ अंचल बसवास करुथिबा लोकों घरे पानी पशिथिबा जणापडिछि। एपरिकी जिलापालंक कार्यालय सम्मुखरे वर्षा पानी लहड़ी भांगुछि। भंडारी पोखरी ब्लक सरसदा पंचायत पिरीपुर गाँव में वर्षा जल लोकों घरे पशिथिबारु लोकमाने नाही नथिबा असुविधारे सम्मुखीन होइछन्ते। आमे तो खाई पी पार नु पा पशि जाइए सुई बसी पार न गुरु गुआले पा पशि छेली गुआले पा पशि सब तो पा छिड़ा आम तो खाई पी पार घर बाहरी पार नु तो आई तो चूड़ा दड़ी आनी खाई रोच आ चल कमी रोषेवास तो कर चूल तो ना चूल पा पशि आ कौन कर भाग्य थी मन मरम मंजिने मंजिम आनमु सकाल आखि कौन देखा होना तीन चार वर्ष हो गला ये लोक मैंने असुविधा सम्मुखीन होती पा जीवार ड्रेन ना कि पा निष्कासन हो पारना प्रशासन को जिते जनला प्रशासन किसी बुझुनि लोक मैंने भी अवरोध करके काटापी गला मारिक उड़ाऊ किसी प्रशासन भाव पदक्षेप नौ रही पर बहुत असुविधा रही रोष का रात लोक मैंने करना उपवास रही। अनुकूल रे वर्षा विभीषिका बढ़ी पानी रे फसिले लोके अन्य को उद्धार करने को जाई बढ़ी पानी रो प्रबल स्रोत जो फसिले लोके ए दृश्य अनुकूल सहर निकट लिंगिरा नालर पानीर स्रोत एत क्षिप्र थिला जे लोक मैंने आउ कूल को फेरी पारि नथिले। केतेक नाल मझिरे थिबा एक पत्थर को आश्रय कर दीर्घ समय धरी सेठारे फसि रहिछते। अग्निशम बाहिनी पक्षर उद्धार प्रक्रिया आरंभ होता जमापड़। पूरा लगाण वर्षा बेहाल हो सारा राज्य खोर्धार किभली स्थित अच्छे चलते सीधा साल खोर्धा नहीं चलु अच्छा रिपोर्टर संग्राम संग्राम वर्षा पर दुर्दशा लोकों पर ढेर अधिक पड़ जाए वर्तमान सेठाकर स्थित कि देखुं देखते बाजी वर्षा लगा वर्षा अच्छी किंतु लोक वर्तमान दुर्दशा बढ़िया चलती जी कह जटणी ब्लक छणघर पंचायत दुई गोटी गाँ ओगरसुआ और छेलदा गाँ संपूर्ण बाह्य जगत रू विच्छिन्न होती देखते सीधा साल दृष्टि भाव ये हूँ ओगरसुआ और छेलदा गाँव को संचय करुवा हूँ मुख्य रास्तार मध्य आम सीधा साल देखी पारे गोटे बैक टी संपूर्ण अधा बुड़ी जाइए मतलब चार फुट्र उच्चतार बर्तमान मुख्य रास्त पा जा सीधा साल आप देखि पार्थे गाँ रास्त आम बर्तमान भी से पा भितर प्रवेश कर बर्तमान आंठुए पा रही देखूँ जो बाह्य जगत संपूर्ण दुईट गाँ विच्छिन्न हो लोक जोाजोग विच्छिन्न होर्तमान निकटें ना जिला प्रशासन ना ब्लक प्रशासन बर्तमान पहुँची खाली जे लगा वर्षा एम दुईट गाँ बाह्य जगत रू विच्छिन्न हो संपूर्ण जब भी वर्षा हम यही भाई आगे ये दुईट गाँ बाह्य जगत रू विच्छिन्न हो सीधा साल प्रतिका ना मौसा एम जो वर्षा जल है मैंने आपंकर गाँ बाह्य जगत रू विच्छिन्न होती बहुत दिन है असुविधा सब असुविधा घर दर भी भागी जाऊँगी तेरे ये हूँ पा जो तेरे हईरा चलिए वर्षा तो सरी दुर्दशा बढ़ी गाँव में सब कौन असुविधा रही है गाँव तो सब हईरा जावासा कर पार ना चार तीन दिन है खाया पीया सब ये हईरा कौन सरकार किसी ना कई आसी ना कई आसपार ना कौन सब असुविधा खाली वर्षा जल हो चाषवास के क्षति चाषवास तो क्षति होती पा कमिले जमापड़ कहीं पूरा पा बुड़ी अच्छी आ द्वारा लोकों घर द्वार भी लगाण वर्षा भांगिक सब कचा घर नष्ट कि सरकार एपर्त कौन पदक्षेप नहीं ना ये रास्ताटा आमर प्रत वर्ष ये गोटे आमर प्रत वर्ष खबर यहाँ एमती पा बुड़ी कि प्रत वर्ष पैसा खर्च होती इंजीनियर एस्टिमेट भूल जो कम ठीक रूप हो पारे आमर कलभर्ट दु तीन टाइम दरकार से जो मुख्य ब्रिजा अच्छी आम रंगियाधार से ब्रिजटा हाइट होकर कम होगा कथा से पोलटा कड़ाई ब्रिज होगा कथा से करूना अजथार पैसा खर्च करते सब नष्ट पानी से धोई जाऊँगी आद्वारा कि आम प्रत वर्ष हईरा होते रास्ता उपर साढ़े तीन हजार चार हजार लोक निर्भर कर
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 3,500-4,000 ଲୋକ ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ନା ଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସାଇ ସମାଧାନ ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପରେ ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। କଚ୍ଚା ଘର ସବୁ ଭାଗି ଯାଇଛି, ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏପଟେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ କିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭାବେ ଏମାନେ ଜଣେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏମିତିରେ ଟିଉସନ୍ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ହେବାରୁ। ସବୁ ବର୍ଷା ଏଦିନ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ତ କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଶୁଣୁଥିଲି ବାଦୁରୀ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକୃତର ନିଦ୍ରା ଶୋଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଦାବି ରହୁଛି, କଲଭର୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା 17କୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ସେ କମ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ବାଧୁରୀ, ଯେହେତୁ 17ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହେଉଛି। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି SRC କହିଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ସତର୍କ କରିବା ରହେ କହିଛୁ, ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଥିଲା, ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିକ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେତିକି ଗାଁ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ? ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକେ ଆଜି ଜଳକ୍ଷରରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କୁମ୍ଭକନା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଓଲଟିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ଗହମ ବୋଝେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ 6 ବୋଗୀ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଭୋଗ ବେରଣୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ଧସିବାରୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଯୋଗୁଁ 12 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରଡ଼କଣ୍ଠାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କବିତା ମାଥର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର 6 ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ଏବଂ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକାଧିକ ବହୁତଳ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କବିତା ମାଥନ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର 6 ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଶୁରା ଏବଂ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକାଧିକ ବହୁତଳ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କବିତା ମାଥନ, ଯିଏକି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 6 ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ଏବଂ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକାଧିକ ବହୁତଳ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି। ଛଅଟି ଘରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। କୋରଡ଼କଣ୍ଠାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କବିତା ମାଥନ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର 6 ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ଏବଂ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକାଧିକ ବହୁତଳ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କବିତା ମାଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରଡ଼କଣ୍ଠାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଯିଏକି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର 6 ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏକକାଳୀନ 6 ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ଏବଂ ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକାଧିକ ବହୁତଳ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି NH-16 ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା, ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ନର ସମେତ
7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। କିନରକୁ ଅସଦାଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ସୋତି ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପାଣି କୋଇଲି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ମାରାଥନ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। 2 ଜଣ କିନରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପ୍ରଥମେ 2 ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଏବଂ ପରେ ମାରପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିନରମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଭଦ୍ରକରୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକାକରଣର 750 ମିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣରେ ଭାରତ ହାସଲ କଲା ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। 75 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଡୋଜ୍। ମାତ୍ର 13 ଦିନରେ 10 କୋଟି ଲୋକ ନେଲେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଭାରତର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକାକରଣର 750 ମିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ 10 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 85 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 65 କୋଟିରୁ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପୁନମ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ସିଂ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ର ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଲଗାତାର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ 75 କୋଟି ପାର କରିଥିବା ट्वीट जोगे प्रतिक्रिया रखिछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे देश में 75 करोड़ वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई। मेरी आप सभी देशवासियों से भी अपील है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे कि आप, आपका परिवार और पूरा देश कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सके। कोविड से जंग में कोविड को हराने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही मेक इन इंडिया का टीका करने का बनाने का निर्माण करने का काम शुरू किया, वहीं पर जन जन को मुफ्त में टीका मिले, वैक्सीनेशन हो, इसके लिए भारत सरकार ने पैसों का प्रावधान भी किया। मैं बधाई देता हूँ टीका लगाने वालों को भी और लगवाने वालों को भी, कोविड वॉरियर्स को भी। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ସାବାଳକ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ଷା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। କଟକରୁ ଫୁଲନଖରା ଯାଏ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
पौर परिषद निर्वाचन होगाक एवंठ राजनीति दल मानक उष्मता देखा परिप्रेक्षी में पट्टामुंडाई म्युनिसिपालिटी और पंचायत समस्त बीजेपी कर्मी सांगठनिक बैठक में किपर तृणमूल स्तर संगठन को मजबूत करा आलोचना सांगठनिक बैठक आहरी मजबूत करने आज पट्टामुंडाई म्युनिसिपालिटी एक बैठक आहूत होता ए बैठक में किभली ढंग से म्युनिसिपालिटी करप्शन किभली भाव में म्युनिसिपालिटी विजु जनता दल और शासन प्रशासन जरिए हरलुट कर उदाहरण स्वरूप पट्टामुंडाई म्युनिसिपालिटी 21 वार्ड ए 24 वार्ड देखा जाकि सफेई वर्ज्यवस्तु व्यवहार पर पैसा नौ सब जो दुर्नीति से दुर्नीतिर पर्दाफाश करवा एवं आगामी दिन में म्युनिसिपालिटी से दुर्नीति को घेरव करी म्युनिसिपालिटी को लोकों लोचन को आनिबा एवं भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वार्ड मेंबर बा वार्ड काउनसिलर को जितेबा एवं इटी म्युनिसिपालिटी रे विजय वैजंत बना उड़ेबा पई आज सांगठनिक बैठक डकायत बर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुची ड्रामारू हटिला परता मिलिला डेलीवरी बॉयर संधान मध्यप्रदेश पति तपापन पृष्टि संधान पाई कमिशनरेट पुलिस रेलवे पुलिस सहायतार पति तपापन और एक युवती अटक रखी पुलिस मध्यप्रदेश में दुहं को अटक रखी मध्यप्रदेश अभिमुखे कमिशनरेट पुलिस एक स्वतंत्र टीम डेलीवरी बॉय अपहरण नुहे नाटक रची एक युवती फेरार होता ही डेलीवरी बॉय वायरल होता ऑडियो एक नाटक थी वर्तमान स्पष्ट हो वर्तमान ड्रामारू परदा हटिछि डेलीवरी बॉयर संधान मिली मध्यप्रदेश पति तपावन पृष्टि संधान पाई कमिशनरेट पुलिस रेलवे पुलिस सहायतार पति तपावन और एक युवती अटक रखी पुलिस मध्यप्रदेश में दुहं को अटक रखी मध्यप्रदेश अभिमुखे कमिशनरेट पुलिस एक स्वतंत्र टीम डेलीवरी बॉय अपहरण नुहे एक नाटक रची युवती फेरार होता वायरल होता ऑडियो एक नाटक थी वर्तमान किदिन ते खबर आडियो भाइराल होता किंतु आज से ड्रामारू परदा हटि ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित रिपोर्टर संतोष सेना जोड़े रही संतोष अधिक अपडेट कौन आसू देखो निश्चय माधुरी आपड़ जानते जो भाव में धोली थाना अंचल स्विगी डेलीवरी बॉय जड़े अपहरण करतेर पर लोके अभोग आनी सब बड़ कथा जे परिवार लोके एक कहते जे कई जन ऑडियो कॉल रे धमक देता एवं से मध्य लास्ट टाइम पर अर्थात शेष थर पर जो धर्मपत्नी को फोन करते कही मत मदुआ मैंने मत गोटे डाला गाड़ी में नहीं जाती तापर पुलिस आश्चर्य होता है प्रकृत में एभली किसी अपहरण घटना थपे कि दुई दिन धरी लगा बर्षा जो पुलिस तार टेक्निकाल टीम काम आरंभ कलापर सन्धान बाटागला बर्तमान समय जहाँ जना जाऊँगी मध्यप्रदेश गोटे स्थान में से दुईज अर्थात सी अच्छा गोप्रे सहित गोटे युवक युवती अच्छा से दुईज जावा समय रेलवे पुलिस अटक रखी तापर कमिशनरेट पुलिस से दुईज को अटक रखी कथा कन्फर्मेसन बर्तमान समय कमिशनरेट पुलिस पाई एवं सुधा कमिशनरेट पुलिस गोटे टीम मध्यप्रदेश अभिमुखे बाहर जाए घटनास्थल में पहुंचे और किभली भाव में से क्यों परिस्थिति में प्रकृत अपहरण घटना अच्छी कि ना कि प्राथमिक स्तर में जहाँ सूचना मिली गोप थाना अंचल एक मामला आधार में जो गोप अंचल गोटे युवती को नहीं से फेरार होता कथा जना पड़े और ये सब घटना अपहरण नुह बर गोटे ड्रामा रची अर्थात गोटे नाटक सृष्टि करी अन्य मानक चकमा दे पर लोकं भूते से फेरार होता कथा वर्तमान समय पूरा स्पष्ट न होते भी वर्तमान समय प्राथमिक स्तर सूचना मिली मधुरी ओके परिवार लोकों को किभली चकमा देखे निज स्त्री को किभली ये गोटे आम कहीपर कि धोखा देते कहीं जो ऑडियो वायरल होता निज स्त्री को कहते और भाई को डाकवाक कहुला सब भितर वर्तमान ए ड्रामारु परता हटि मिली डेलीवरी बॉयर संधान जीक रही पतित पावन पृष्टि और जार संधान पाई कमिशनरेट पुलिस रेलवे पुलिस सहायतार पतित पावन और एक युवती को अटक रखी पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपंकर तमाम सूचना